इस वाली सिटी के अंदर इतना सब कुछ ऐड था और मुझे पता ही नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इस सिटी के अंदर क्या क्या ऐड हो चुका है। तो इस सिटी के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हेलीपैड। जी हाँ दोस्तों, ये हेलीपैड ऐड हो चुका है। इसके अंदर हम लोग अपना एक हेलीकॉप्टर को रख सकते हैं। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, ये एक UFO है। इसके अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और उसके अलावा ये देखिए, ये होने वाली गोकुलधाम सोसाइटी, और इसके अंदर से भी हम लोग पूरा देखने वाले हैं। क्या ये सब आपको भी अपनी सिटी के अंदर चाहिए? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड में आप लोग समझने वाले हैं इस सिटी को आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग इतना सब कुछ देखने वाले हैं ना, वो भी एक ही सिटी के अंदर। मुझे तो वेट हो ही नहीं रहा है। मतलब इतना सब कुछ एक सिटी के अंदर कैसे हो सकता है? UFO भी इसी सिटी में होने वाला है। उसके बाद भूल भुलैया को भी इसी सिटी में ऐड किया गया है। हेलीपैड को भी ऐड किया गया है। उसके साथ 3-4 क्लॉक टावर भी है, वो भी इसी सिटी के अंदर ऐड होने वाले हैं। तो मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाले। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया है और अब हम चलते हैं इस सिटी को पूरा एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग दोस्तों राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में एक चीज होने वाली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप मेंशन देख रहे हैं ना, ये अपना ही मेंशन होने वाला है। इस मेंशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये हॉल टाइप का कुछ है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता। तो हम लोग अपनी बाइक के साथ ही ऊपर चलते हैं। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आप देख सकते हैं इतनी सारी विंडोज दी गई हैं, और उस साइड कुछ एक रूम टाइप का दिखाई दे रहा है। तो वहां पे भी हम लोग चल के देख लेते हैं कि वो रूम में आखिर क्या होने वाला है। तो हाँ, मेरी बाइक बढ़ चुकी है और मैं इस साइड आ चुका हूँ। तो इस साइड विंडोज दी गई हैं और एक बालकनी टाइप की दी गई है, जो काफी बड़ी बालकनी है। और यहाँ से हमारा जो व्यू है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सिटी एकदम खाली है। इसके अंदर कोई भी NPC नहीं है, कोई भी कार नहीं है, कोई भी बाइक नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम है और ये हमारी सिटी है। हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला व्यू काफी अच्छा था। तो अब चलते हैं कुछ और देखते हैं, क्योंकि इस सिटी के अंदर इतनी सारी चीजें ऐड हो चुकी है ना, मैं एक एक करके अगर दिखा पर आ गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं कुछ कुछ जो मेन चीज है ना इस सिटी की, वो मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा दूंगा। तो यहाँ से तो मैं निकल चुका हूँ मेंशन से, और ये मेंशन इतना बड़ा है कि अभी तक मैं बाहर पहुंच नहीं पाया हूँ। जैसे तैसे मैं बाहर तो पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम लोग को कहां जाना है। तो ये मैं यहां से निकल चुका हूं बाहर, और अब देखते हैं कि किस साइड हम लोग को जाना है। तो अभी भूल भुलैया को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम पे भूल भुलैया को देख लिया तो हम लोग फंस सकते हैं। क्योंकि इस वाली सिटी की जो भूल भुलैया है वो इतनी हार्ड होने वाली है ना दोस्तों, कि मेरे से मैंने ट्राई किया था लेकिन पहली बार मैं पार नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बातों में ये UFO के पास आ चुके हैं। तो पहले इसके अंदर चलते हैं और अंदर से देखते हैं कि UFO अंदर से कैसा होने वाला है। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूं, और अंदर से एक मिनट अभी बाइक से उतर जाता हूं और ऊपर की साइड आपको दिखाता हूं कि ऊपर की साइड से UFO कैसा देखने में। तो ऊपर एकदम खाली है, लेकिन भाई UFO अंदर से एकदम UFO जैसा ही लग रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। बस इसमें कमी है तो एक एलियन की कमी है। अगर एलियन इसके अंदर होता तो पक्का रियल वाला UFO ही है। और अभी हम लोग साइड से देखते हैं। हाँ ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, लेकिन हाँ ये UFO सच में काफी अमेजिंग लगा मेरे को। दोस्तों आप लोग को ये UFO कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो UFO तो हम लोगों ने देख लिया, तो अब चलते हैं किसी और चीज की तरफ। तो देखते हैं कुछ और क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इतने सारे मेंशन होने वाले हैं ना कि एक एक करके मेंशन में दिखाऊंगा ना तो बहुत देर हो सकती है, क्योंकि मेंशन एक जैसे ही है। तो एक मेंशन अगर मैं दिखा दूंगा तो वो सारे मेंशन के बराबर ही है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ FIRE फायर। आई थिंक ये जो फायर स्टेशन होता है ना, ये वही है। तो ये फायर स्टेशन है, यहाँ पर हम अपनी एम्बुलेंस, जो फायर वाली एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी है, उसको हम यहाँ पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो प्रॉपर फायर स्टेशन लगेगा। अभी वो गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है, आई थिंक कहीं आग लगी होगी, मे बी वो गाड़ी वहाँ गई होगी। लेकिन ओवरऑल ये वाला जो फायर स्टेशन है भाई, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा फायर का कलर होता है एकदम रेड कलर, तो उसी हिसाब से स्टेशन भी रेड कलर का बनाया गया है, रेड एंड येलो। तो ये ओवरऑल फायर स्टेशन था। तो ये वाला फायर स्टेशन कैसा लगा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब चलते हैं कुछ और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आगे ये आप देख सकते हैं कि ये जो भूल भुलैया है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ एंड होती है। तो एक बार और मैं कोशिश कर लेता हूँ भूल भुलैया की। और दोस्तों इस कोशिश में मैं इस वीडियो को काफी तेज चलाने वाला हूँ, तो अगर आपको देखनी है तो पूरी आप देख सकते हैं, वरना आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। तो इस पॉइंट से दोस्तों मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला, क्योंकि इस भूल भुलैया को पार करने में काफी टाइम लग गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। 2000 years
लय थे। तो फाइनली पूरे आधे घंटे बर्बाद करने के बाद मैंने जहाँ से भूल भुलैया स्टार्ट करी थी मैं उसी पॉइंट पर आ चुका हूँ। इसका मतलब है भाई मेरे पूरे आधे घंटे वेस्ट हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, इस भूल भुलैया को हम लोग एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में पूरा करके दिखाएंगे जरूर। फिलहाल इस वाली सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है। तो मैं बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद यार जो भूल भुलैया का जो एंडिंग पॉइंट है ना इस पॉइंट पर आ चुका था। और ये भूल भुलैया सच में काफी बड़ी है यार, मैंने ऊपर से देखा तो भाई सच में काफी बड़ी है। तो इसको पार करने के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल इस भूल भुलैया को ही पार करके दिखाएंगे। तो अभी हम इस जगह पर आने वाले जिस जगह पर लिफ्ट होने वाली है, तो लिफ्ट देख लेते हैं कि लिफ्ट आखिरकार कैसी बनी हुई है। तो जो वेंशन आप देख सकते हैं इसके अंदर लिफ्ट होने वाली है। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और दो कमरे दिए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिफ्ट दी हुई है, तो मैं किसी भी लिफ्ट में जा सकता हूं। तो हाँ ये वाली लिफ्ट में हम लोग चलते हैं और इसके अंदर मैं अपनी बाइक यहाँ पे मैंने इसको खड़ा कर लिया है। तो अब हम लोग ऊपर की साइड जाने लगे, आप देख सकते हैं मैं ऊपर की साइड उठने लगा हूँ। हाँ ये कंटेनर टाइप का जो है ना यही लिफ्ट का काम कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अभी आप देखना कि मैं किस तरीके से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाऊंगा और मेरे को ज्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये लिफ्ट ना हम लोग बिना बाइक या हमारे पास कुछ व्हीकल नहीं होना चाहिए तब ये लिफ्ट और अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन इस बार हमारे पास एक बाइक है तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी अच्छी तरीके से इस पॉइंट पर आ चुके हैं। और यहाँ से आप टेरिस तो नहीं है ये, लेकिन हाँ सेकंड जो फ्लोर है उसका जो हम टेरिस कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको साइड में जाकर दिखा देता हूँ। तो हाँ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, और ये आप देख सकते हैं छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड भी यहीं बना दिया है। तो अभी हम लोग काफी आगे आ चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू पूरी सिटी का। तो यहाँ से यार व्यू सच में बहुत ही औसम है। तो अभी एक फ्लोर और रह गया, तो एक फ्लोर को पार करने के लिए भी हम लोग उसी कंटेनर पर फिर से खड़े हो जाएंगे, उसके बाद वो हमें ऊपर पहुंचा देगा। तो अब देखते हैं कि जो ऊपर की तरफ कंटेनर जा रहा है वो कौन सा है। देखो ये तो नीचे जा रहा है कंटेनर, तो इस पे तो हम बैठ नहीं सकते, या इस पे बैठ सकते हैं? नहीं। हाँ तो इस पे हम लोग नहीं बैठ सकते, वो देखना पड़ेगा जो कंटेनर ऊपर की साइड जा रहे हैं उसी से हम लोग वहां जा सकेंगे। तो हाँ ये कंटेनर में भी ऊपर की साइड जा रहा है, तो हाँ इस पे हम लोग को बैठना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ऊपर की साइड आ जाएंगे थर्ड फ्लोर पे। तो ये वाला कंटेनर नहीं है, हाँ ये वाली जो लिफ्ट है ये ऊपर की साइड जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं खड़ा हो चुका हूँ। ओ शिट यार मैं नीचे की साइड आ गया, मेरे को फिर से कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि यार मैंने थोड़ा सा बैक गियर डाला और मेरी बाइक बिल्कुल नीचे आ चुकी थी और मैं जैसे तैसे फिर से मैं लग चुका हूँ उसी लाइन पर। अब मेरे को बिल्कुल भी अपनी बाइक को हिलाना नहीं है वरना मैं फिर से नीचे गिर सकता हूँ। और ये क्या हो रहा भाई, देखिए ये लिफ्ट कैसे काम करती है यार, एकदम मैं फंस भी जाता हूँ कभी कभी। और ये मैं कहाँ हूँ, मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई, मैं फंस चुका हूँ यार बहुत बुरी तरीके से। और मैं जैसे तैसे ऊपर तो आ गया हूँ और ये मैं आ चुका यार, ये क्या हो रहा है। ओ शिट यार दोस्तों, यार मैं ऊपर की जगह नीचे फिर से आ गया, मैंने जल्दबाजी कर दी और मैंने अपनी बाइक को बाहर निकाल लिया जिस वजह से मेरी बाइक ने मेरे को धोखा दे दिया और मैं फिर से नीचे आ चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, इस बार की ट्राई में हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऊपर। और मैं ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में बैठा ही था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, देखो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऊपर गया भाई मेरा जो कैरेक्टर था भाई उसकी तो डेड हो गया भाई, वो वास्टेड हो गए हम लोग, पता नहीं कैसे हुआ। खैर कोई बात नहीं, मैंने बाइक को हटा दिया, अब मैं पैदल ही ऊपर जाऊंगा और मेरे को कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली यहाँ पर आकर खड़ा हो जाना और जो कंटेनर है ना वो अपना पूरा लिफ्ट का काम कर देंगे, वो अपने आप ही मेरे को ऊपर पहुंचा देंगे। अभी आप देखना, अभी तो मैं काफी नीचे हूँ और ये देखो आप साइड से भी कंटेनर आया और ऊपर साइड से भी कंटेनर आया, तो ये जो ऊपर वाला कंटेनर यही हमें सबसे ऊपर पहुंचाएगा। अभी देखो धीरे 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 मैं ऊपर की साइड जाए जा रहा हूँ और ये कंटेनर हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, उस पर्टिकुलर जगह पर लाकर अपने आप खड़ा कर देगा। तो ये आप देख सकते कि मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ, लेकिन यार इसके लिए मेरे को एक साइकिल रिस्पॉन करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ी दूर है जगह, मतलब काफी बड़ी जगह है, तो साइकिल से हम लोग चलते हैं। तो साइकिल मैंने रिस्पॉन कर लिया और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, जो अपनी सिटी है जो न्यू बिल्ड सिटी है उसका मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं कि टावर है और भी बहुत कुछ है और यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे टाइप के दिए हैं। और ये देखिए ये टावर हमें कितना सही लग रहा है और ये सिटी पूरी की पूरी यहाँ से दिखाई दे रही है। हाँ थोड़ी जाली की वजह से प्रॉपर नहीं दिख रही, लेकिन हाँ समझ में आ रहा है कि ये कितनी अच्छी बनी हुई है सिटी। तो अब नीचे जाने का वक्त है, तो चलते हैं डायरेक्ट नीचे। तो फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी क्या रह गया है वो भी देख लेते हैं। तो हाँ कुछ एक दो घर रह गए हैं, वो भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसे होने वाले कुछ घर। एक घर ये है, तो इसके अंदर हम लोग चल के देख लेते हैं कि अंदर से ये कैसा होने वाला है। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसके अंदर ज्यादा कुछ होने वाला है। हाँ सिंपली एक रूम टाइप का है, काफी बड़ा सा खाली सा, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर को अंदर रख सकते हैं, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही है आज की सिटी में।
हाँ दोस्तों, तो यही आज की सिटी होने वाली है, और कुछ तो मेरे हिसाब से बचा नहीं है। जो भूल भुलैया है उसको हम अगले पार्ट में पूरा का पूरा पार करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में तो यही होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये सिटी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस सिटी के अंदर और भी कुछ ऐड हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, तो उसको भी मैं सिटी के अंदर ऐड करवा दूंगा, उसमें आप लोग अपना गेम खेल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। और दोस्तों इस गेम का नया अपडेट आ चुका है, तो जिसने भी अभी तक अपडेट नहीं किया है तो इस गेम को जरूर अपडेट कर लेना, बिना अपडेट के आप लोग ये सिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। लव यू ऑल।